भैया आराम से यार, सड़क ही पोस्टमार्टम कर दोगे। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। राहुल शर्मा नाम सुने हैं आप लोग? नहीं नहीं, मैंने इससे पहले एक बार इनका नाम और सुना था। आज के लगभग 6-7 महीने पहले इनकी एक फिल्म का ट्रेलर आया था, जिस फिल्म का नाम था डार्लिंग। कटघरे में खड़ा ये इंसान जिसका नाम राहुल, उसमें राहुल शर्मा के साथ अक्षरा सिंह थी। वो ट्रेलर मैंने देखा था, बट वो ट्रेलर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था। वही नॉर्मल टिपिकल भोजपुरी फिल्म की तरह से थी, इसीलिए मैंने उस ट्रेलर को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। बट अभी फिलहाल इनके एक और फिल्म का फर्स्ट लुक आया है, जो कि वीडियो फॉर्म में है। और ये फर्स्ट लुक जब मैंने देखा, कल ही देखा था, तब मुझे लगा कि नहीं भाई, सीरियस तो लेना पड़ेगा, बंदे में दम है। इस फिल्म का नाम है मांग भरो सजना। इस टाइटल के बारे में भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें है क्या। तो मैं बता दूं, बहुत छोटा सा वीडियो फॉर्म में फर्स्ट लुक है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 6-7 सेकंड का ही वीडियो है, बट जितना है उतना काफी है बात करने के लिए और ये अनुमान लगाने के लिए कि फिल्म कैसी हो सकती है। वीडियो के शुरुआत में एक एंग्री मैन की तरह से राहुल शर्मा को दिखाया गया है, जो कि लंबे बालों में है, मुंह में सिगरेट और हाथ में पेट्रोल बम लिए हुए हैं। और इस सिचुएशन के हिसाब से जो राहुल शर्मा का फेस एक्सप्रेशन है, वो काफी मुस्कान भरा है। इसका मतलब है कि इनके सामने जो भी सिचुएशन खड़ी हुई है, वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हीरो के लिए, राहुल शर्मा के पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आदमी मुसीबत में तभी मुस्कुराता है जब उसे लगता है कि ये मुसीबत कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। खैर, सेकंड सीन में राहुल शर्मा को और भी ज्यादा एंग्री दिखाया गया है। उनके हाथ में एक लोहे की रॉड है, जिससे वो गुंडे की पिटाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो फॉर्म में जो फर्स्ट लुक है, इसमें फिल्म का एक्शन पार्ट दिखाया गया है। और इस एक्शन का जो लेवल है, वो काफी नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल साउथ इंडियन फिल्मों में जैसा एक्शन दिखाया गया है, उसी तरह से राहुल शर्मा एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फर्स्ट लुक में जितना कुछ देखने को मिला है, इसमें सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ये फर्स्ट लुक एक बड़ी फिल्म होने का सबूत दे रहा है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस छोटे से फर्स्ट लुक में ऐसा क्या चीज है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है? तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज इस फिल्म का टाइटल, मांग भरो सजना। अगर आप सिनेमा लवर हैं, तो आपको पता होगा कि इसी नाम से बॉलीवुड में भी फिल्म आ चुकी है। बॉलीवुड तो छोड़िए, भोजपुरी में भी इसी नाम से फिल्म आ चुकी है, जो फिल्म शायद यश कुमार की फिल्म है। तो कहना ये है कि जब आप एक नई फिल्म बना सकते हैं, 50-100 घंटे की वीडियो शूट करके, उसको एडिट करके कंप्लीट 3 घंटे की फिल्म जब आप बना सकते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट लगा करके अपनी फिल्म के लिए एक नया नाम क्यों नहीं सोच सकते हैं? बात तो सही है। देखिए, भोजपुरी फिल्मों को लेकर के पब्लिक का जो रिव्यू है, वो बहुत अच्छा नहीं है। ये बात पब्लिक के दिमाग में घर कर चुकी है कि भोजपुरी में जो भी फिल्में आती हैं, वो हिंदी फिल्मों के पुरानी फिल्मों की कॉपी होती है। तो उनकी उत्सुकता पहले से ही मर चुकी है, आप उसको और कितना मारोगे? अगर आप एक अच्छी फिल्म भी बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका फर्स्ट लुक है, मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी होगी। तो जब आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो एक पुराना नाम दे करके पब्लिक के अंदर जो थोड़ी बहुत उत्सुकता बची है, उसे भी क्यों मारना चाहते हैं? लोगों के मन में जो परसेप्शन बनी है कि भोजपुरी फिल्में हिंदी फिल्मों की कॉपी होती हैं, वो व्यक्ति अगर आपकी फिल्म का नाम सुनेगा, तो उसकी जो थोड़ी बहुत उत्सुकता होगी, वो भी मर जाएगी। वो सोचेगा कि भाई, जब नाम ही कॉपी है, तो फिल्म में क्या ही होगा। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी राय यही होगी कि जब आप 2-3 महीना लगा के इतनी बड़ी फिल्म सोच सकते हैं, तो 10 मिनट और लगा करके अपनी फिल्म के लिए एक नया नाम जरूर सोचें। बाकी इस फिल्म में राहुल शर्मा के साथ साथ अभिनेत्री के रूप में आपको मेघा श्री जी नजर आएंगी। राकेश त्रिपाठी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और प्रदीप के शर्मा इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है और जितना है अच्छा लग रहा है। ये जो वीडियो मैंने उठाया है, ये इंस्टाग्राम से उठाया है, IM राहुल शर्मा हैंडल से। तो वहां पर जितनी जानकारी दी गई है, वो डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम और बाबा मोशन पिक्चर PVT LTD जिसके बैनर तले ये फिल्म बनी है, इतनी ही जानकारी दी गई है। बाकी और कहीं कोई जानकारी होगी तो मुझे नहीं पता है इस फिल्म के बारे में। जितनी जानकारी मेरे पास है अभी, उतना मैंने आपको
बता दिया। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, YouTube पर कहीं अपलोड है या नहीं मुझे नहीं पता। आई एम राहुल शर्मा 12 करके एक इनका जो इस फिल्म के अभिनेता है इनका अपना इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाइए आप देख सकते हैं। बहुत सारे भोजपुरी के डायरेक्टर एक्टर बहुत सारे लोगों ने इस फर्स्ट लुक को शेयर भी किया है, आप वहां भी देख सकते हैं। पराग पाटिल जी ने भी इसको शेयर किया है। उसके अलावा अयाज खान, देव सिंह और मेघा श्री ने भी इसको अपने आईडी पर शेयर किया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं और आप अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं कि आपको ये फर्स्ट लुक कैसा लगा। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आइए मैसेज कीजिए, फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।